ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया कुर्बान होने के लिए। तेरे झूठे आएंगे और तुम्हें गुमराह करेंगे, लेकिन गुमराह तेरा आका रब्बाना यसू अल मसीह इलाहे सजूद वजी हम फी दुनिया वल आखिरे अकायदत फखरे मौजूदा से तखलीके कायनात रब्बाना यसू अल मसीह वाहिद 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 शख्सियत है जो कयामत की निशानी कब्र के अंदर से निकल कर सामने खड़े होने का नाम कयामत है। और यसू मसीह ने साबित कर दिया मैं कयामत की निशानी हूं। सूरज ना तेनू सतावे, राती चंद भी ना कुछ दुख पहुंचावे, जाने तब जो मसीह में हुए है वो चीखेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी है वो बदल जाएंगे। आसमानों दरवाजे खोल दो, बर्रा अपनी दुल्हन के साथ खुदा बाप के पास आ रहा है। वो कलाम खुलने लगा है जो ना कभी बदला और ना कभी बदलेगा। दुनिया इस कलाम की बाबत क्या कहती है हमें इसका इल्म नहीं, लेकिन हम इस बात पर इल्म रखते हैं, ईमान रखते हैं कि जो कोई इस किताब को जिसका नाम बाइबल है पढ़ता है वो ये कहता है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा। अब वो ये कहता है कि मैं जिंदा ना रहा बल्कि, आइए सारे मिलकर कहेंगे अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि, बल्कि कौन मुझ में जिंदा है? और जिंदा खुदा का जिंदा कलाम खोलने वाला है। यह जिंदा खुदा का जिंदा कलाम है जो लासानी है, जो लाफानी है, जो लामुबद्दर है, जो लाखता है। जमाने बदल जाएंगे पर यह कलाम कभी नहीं बदलेगा। जमाने बदल जाएंगे लेकिन यह कलाम कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है घास सूख जाती है और फूल खुमला जाता है पर हमारे खुदा का कलाम कब तक कायम रहेगा? कब तक कायम रहेगा? एक साल तक, दो साल तक, एक लाख साल तक, दो लाख सालों तक, एक करोड़ साल, एक अरब साल, एक खरब साल। मैं ये कहता हूं जमाने खत्म हो जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी, सूरज खत्म हो जाएगा, चांद खत्म हो जाएगा, हिजरा में फर्क खत्म हो जाएंगे, नजर अकबर खत्म हो जाएगा, नजर अस्कर खत्म हो जाएगा, लेकिन बाइबल मुकद्दस आज कल बल्कि अब तक। अगर मेरा खुदा यकसा है तो उसका कलाम भी। आइए इसको मतालिया करेंगे और इतनी इज्जत से ही इसको सुनेंगे जितनी इज्जत और जोश और जज्बा और ईमान आपने अपनी मसीही गैरत अपने अंदर रखी और लोगों को दिखाई कि मसीही गयूर खुदा की प्रस्तुति करते हैं। किताबे मुकद्दस में से बुजुर्ग मत्ती रसूल की इंजील और उसका 24वां बाब और उसकी तीसरी आयत से मैं आप सबों के लिए तलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करूंगा। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा हमको बता ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का क्या निशान होगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा खबरदार कोई तुमको गुमराह न कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे और तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे।
खबरदार घबरा न जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है लेकिन उस वक्त खातिमा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू होगी। उस वक्त लोग तुमको अजियत देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातर सब कौमें तुमसे अदावत रखेगी और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे और बेदीनी के भर जाने से बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खातिमा होगा। किताबे मुकद्दस का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए 22 से बरकत का सबब हो। बाइबल मुकद्दस का यह जो हिस्सा आज रात आप सबों के लिए तलावत किया गया और आपने इस तलावत को नहायत अकीदत, नहायत एहतराम, नहायत इज्जत और नहायत मसबी जोश और मसबी गैरत और अपने ईमान के मुताबिक सुना। आज का जो हमारा मजमून है बयान कर सकता है कोई क्या है? जो लोग ये कहते हैं कि 2012 में क्यामत आ जाएगी, वो कान खोल कर सुन लें कि बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है। थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा मजमून है कि जो लोग ये समझते हैं, ये ख्याल करते हैं कि सन 2012 के अंदर यानी दिसंबर के अंदर कयामत आ जाएगी, उन लोगों की बाबत आज हम उन लोगों के हकायक को, उन लोगों के दलायल को और उन लोगों की ऐसी गलत सोच की मसीही लोग इस्लाह करने के लिए बैठे हैं। मसीही लोगों को बाइबल मुकद्दस को खुदा ने ये अथॉरिटी दी है, बाइबल मुकद्दस को खुदा ने ये हक दिया है कि वो आइंदा जमाने की बाबत बयान करें। दुनिया की ये वाहिद किताब है जो आइंदा जमाने की बाबत बयान करती है कि आइंदा जमाने में क्या होगा। आज पूरी दुनिया के अंदर एक अफरा तफरी का समा है, एक साइंसी भूचाल आया हुआ है, तहलका मचा हुआ है, लोगों के जहनों को खराब किया जा रहा है, लोगों की सोच को किसी गलत डायरेक्शन की तरफ ले जाया जा रहा है, लोगों को यह बताया जा रहा है कि जनाब यह साइंसी दौर है, साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि हम आइंदा जमाने की सारी चीजों को बयान कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर खड़े होकर इस पुरपट पर इस बात का चैलेंज करता हूं कि साइंस तजर्बात मुशाहदात और नताइज पर मबनी चीज का नाम है साइंस आइंदा जमाने की बाबत बयान नहीं 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 कर सकती। अगर कोई आइंदा जमाने की बाबत बताएगा तो वो खुदा का जिंदा कलाम है। इसका मतलब यह है कि लोगों ने गलत राय कायम की है और लोग ये कहते हैं कि आइंदा दिनों के अंदर जो जमीन हमारी है, हमारी जमीन एक बड़े सियारे के साथ टकराएगी, जमीन के करीब से एक सियारा गुजरेगा
और ये आहिस्ता आहिस्ता गुजरने के लिए तैयार हो रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता ये सैयारा जमीन की जानिब आ रहा है। और एक टाइम आएगा कि जब ये सैयारा दिसंबर के महीने में गालिबन 21 तारीख तक 21 दिसंबर तक यह सयारा जमीन तक के करीब आएगा और 21 दिसंबर को आके यह सयारा जमीन के साथ टकराएगा और जमीन को पाश पाश कर देगा। इन साइंसदानों को यह नहीं मालूम 25 दिसंबर को आते क्रिसमस मनाना है, मनाना कि नहीं मनाना। तो ये लोग ये कहते हैं कि 21 दिसंबर तक यानी मसीदी विलादत को चार दिन पहला निकाल, ये पेशन गोई कर रहे हैं कि 21 दिसंबर तक ये वकुआ होगा। और इस तरह वो ये कह रहे हैं कि आज पिछले दिनों में बहुत गर्म हवाएं चली थी और इतनी गर्म हवाएं चली थी टेम्परेचर जो था बहुत ऊंचा चला गया था, गालबिन 50 के लगभग हमारा पाकिस्तान का लाहौर का और इन दीगर इलाकों का टेम्परेचर चला गया था। लोगों ने ये अज्यूम कर लिया, ये कयास अराया होना शुरू हो गई कि देखिए हवा इतनी तेज गर्म चल रही है, इसका मतलब है वो सयारा और करीब आता जा रहा है। और लोगों की नींदें उड़ गई थी पिछले दिनों में, लोगों की नींदें उड़ गई थी, लोग खौफ सता थे कि कुछ होगा जमीन के ऊपर, जमीन बर्बाद हो जाएगी, ये जिस जमीन पर इंसान बसता है ये बर्बाद हो जाएगी। और मैं आपको ये बताऊं उसको ये कहते हैं कि ये कयामत है, कयामत आ जाएगी। पहली गलत फहमी चाहे वो साइंसदानों की है चाहे किसी और की है, मैं ये नहीं मानता इन साइंसदानों को, इनकी अकले माउफ है, साइंसदान बहुत खुदा प्रस्त है और बड़ा उन्होंने काम किया, मैं साइंसदानों की इज्जत करता हूं, साइंटिस्ट की मैं इज्जत करता हूं। लेकिन ये लोग हैं क्या, मैं इसकी बाबत थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, पहले ये मैं बताना चाहता हूं गुज़िश्ता दिनों में जब ये खबरें अरूज पर थी, गुज़िश्ता दिनों में ये वाकयात इंटरनेट पर अरूज पर थे और आए दिन इंटरनेट के ऊपर कोई ना कोई खबर ऐसी आ जाती जिस खबर को सुनते इंसान बिलबला उठता और कहता कि ये जी नासा की रिसर्च है, ये फला वेब हार्ट की रिसर्च है, ये फला अदारे की रिसर्च है, साइंसी अदारे रिसर्च कर करके इंसानों को खौफ ज़दा कर रहे थे कि देखिए अब कयामत आ जाएगी, दिसंबर के महीने तक तैयारी कर लो। इस तरह के वाकयात 1800 के अंदर भी, गालबन सन 1844-45 के अंदर ऐसे वाकयात हुए जब लोगों ने पूरे वेस्ट अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक वबा फैल गई कि देखिए कयामत आने वाली है, यीशु मसीह आने वाला है, लिहाजा यीशु मसीह के आने से पहले पहले तैयारी करो। और 1844 अक्टूबर के महीने में, 1844 सन है ये, नोट कर लीजिए, किसी भी रिसर्च करने वाला जो यहां पर बैठा है गूगल में जाकर इस रिसर्च को कर सकता है, इंटरनेट पे ये रिसर्च कर सकता है कि 1844 का यह वाक्य है, अमेरिका के अंदर एक तहरीक चली और तहरीक यह चली कि देखिए अब जो है अब मसीह आने वाला है, अब 22 अक्टूबर सन 1844 को मसीह आ जाएगा, तैयारी कर लो। और लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपनी जायदादें बेच दी, लोगों ने रुपया पैसा जो था वो वफर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और फिर लोगों ने अपने खेत बेच दिए, लोगों ने मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली और कहा कि हम तो मसीह के लिए तैयार हो चुके हैं। बहुत से मुनाद, बहुत से पादरी, बहुत से बिशप ये तबलीग करना शुरू हो गए कि देखो मसीह आने वाला है, मसीह आने वाला है, तैयारी कर लो। लेकिन हुआ ये 22 अक्टूबर 1844 सारा दिन लोग इंतजार करते रहे, दोपहर को इंतजार करते रहे, शाम को इंतजार करते रहे, रात को इंतजार करते रहे, रात 12 बजे के बाद जब घड़ी ने टाइम तब्दील किया तो कोई मसीह नहीं आया। सुन सुनिए, नहीं मसीह आया, इसका मतलब है लोग झूठी अफवाह देते इसलिए है, सिर्फ उनका ताल्लुक यह है कि बाइबल के खुदा को नीचा करना और अपने आप को ऊपर करना। दुनिया के अंदर इस वक्त अगर कोई बड़ी शख्सियत या कोई बड़ा मजहब है, दुनिया के अंदर अगर कोई बड़ा मजहब है तो वो सिर्फ 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 दीने मसीह है। सारी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा मजहब है,
जो बाइबल को सारी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, माना जाता है, ईमान रखा जाता है, और यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहा जाता है, यह सबसे बड़ा मजहब जो है दुनिया के अंदर इस वक्त दीने मसीहत है। अगर दीने मसीहत के साथ ऐसे लोगों का मुकाबला होता है, अब ये लोग हैं कौन जो इस तरह की पेशरगोइयां करते हैं, जो इस तरह के प्रोपोगंडा करते हैं, जो इस तरह की तहरीक पैदा करते हैं कि लोगों की नींदें उड़ जाए। और इस साल में जिसमें हम गुजर रहे हैं, इन लोगों ने एक नया तरीका अपनाया कि ये साइंस का दौर है, इंटरनेट का दौर है, तो मेरे साइंसी तौर पर आप बरगलाएंगे। जरा गौर से सुनिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये एक कैलेंडर है। जितने यहां पर खादम है या जो लोग बाइबल का मुतालिया करना चाहते हैं, कॉपी पेंसिल जिनके पास है वो लिखना शुरू करें। ये एक कैलेंडर है, इसको मायोन कैलेंडर कहा जाता है या माया कैलेंडर कहा जाता है। मायोन कैलेंडर, मेरे पीछे बोलिए मायोन। ये मायोन कैलेंडर है, जिस तरह हमारे घरों के अंदर कैलेंडर लगता है। कितने घरों के अंदर कैलेंडर लगा हुआ है? सबके घरों के अंदर कैलेंडर लगा है 2012 का। सो ये मायोन कैलेंडर है, और ये मायोन कैलेंडर जो है, इसकी एचाप जो है, ये सेंट्रल अमेरिका के अंदर से हुई है। सब मेरे साथ रहिए। ये इस कैलेंडर का आगाज, मायोन कैलेंडर का आगाज सेंट्रल अमेरिका के अंदर हुआ, और उस कैलेंडर की बिना पर वेब हॉट ने, ये एक बहुत बड़ा इंटरनेट पे अदारा है, अपने आप को ये साइंटिस्ट कहते हैं भी, इन्होंने इंटरनेट पर एक खबर शाया की है वेब हॉट की तरफ से। तो ये मायोन लोग हैं, इन लोगों को मायोन कहते हैं, जिन लोगों ने इस तरह की पेशनगोईयां की। आगे चल के मैं और इनकी तफसील बताऊंगा, जो लोग लिखना चाह रहे हैं वो लिखते जाए। मायोन कैलेंडर है, और इस कैलेंडर की बिना पर ये कहते हैं कि ये कैलेंडर अब खत्म हो जाएगा, और जब ये कैलेंडर खत्म हो जाएगा तो दुनिया का खात्मा होगा। ये मायोन लोग हैं, माया इन्हें कहा जाता है, और ये मायोन सिविलाइजेशन है, ये तहजीब है, और ये सेंट्रल अमेरिका के अंदर एक तहजीब है, और इस तहजीब के लोगों ने इस काम को शुरू किया है। और याद रहे, मेरे साथ साथ रहना, और हम आगे बढ़ेंगे। ये तहजीब जो है मेक्सिको के अंदर, ब्राजील के अंदर, ग्वाटेमाला के अंदर, हंडुरस के अंदर, ये तहजीब 6 बड़े दुनिया के मुमालिक के अंदर ये तहजीब पाई जाती है। अब ये तहजीब जो है, इन्होंने किया क्या है, इनका आगाज जो है ये 2600 कबल अज़ मसीह में हुआ। ये जो लोग रिसर्च करते हैं, इसको लिखते लिखते जाए, इसका आगाज 2600 कबल अज़ मसीह में, यानी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से 2600 साल पहले ये सेंट्रल अमेरिका के अंदर, ब्राजील के अंदर इस तहरीक का आगाज हुआ। और ये एक किसान बरादरी है, ये सारे के सारे किसान है, और इनका काम खेती बाड़ी करना है। ये स्पेशली गंदम उगाते हैं, दालें उगाते हैं, तंबाकू की काश्त करते हैं, और घर जो इनके हैं, ये झोपड़ियों के अंदर उस वक्त रहा करते थे। ये लोग झोपड़ियों के अंदर रहा करते थे, इनके जो घर थे ये झोपड़ियां बनाई होती थी और उनके अंदर रहते थे। ये 2600 साल पहले मसीह का वाक्य मैं बयान कर रहा हूं। उस वक्त अभी अमेरिका आजाद नहीं हुआ था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने बाद में अमेरिका को आजाद किया, देखा, उस वक्त अमेरिका आजाद नहीं हुआ था, लेकिन असारे कदीमा और बाद की तारीख से यह साबित हुआ कि यह 2600 साल कबल अज़ मसीह इनकी रिहाइश थी। अब ये खुदा पर ईमान नहीं रखते थे। मेरे साथ रहिए, मैं आपको एक और बात बताता जाऊं। दुनिया को दो बड़े मजहब के ग्रुपों के अंदर बांटा गया है। पहले ग्रुप को कहा जाता है कि यह सामयुल नस्ल है, दूसरे ग्रोह को कहा जाता है यह गैर सामयुल नस्ल है। सामयुल नस्ल वो ग्रोह है जिसमें दीने मसीहत, दीने यहूदियत और दीने इस्लाम, यानी तौहीद प्रस्त मजाहिब जो है उन्हें सामयुल नस्ल कहा जाता है, और जो तौहीद प्रस्त मजाहिब नहीं है, जो बुद्ध प्रस्त मजाहिब है, उन्हें गैर सामयुल मजहब कहता है। अब ये गैर सामयुल मजहब के लोग हैं, अब इनका अकीदा सुन लीजिए, इनका अकीदा सुन लीजिए। ये कहते हैं कि खुदा ने कायनात को तखलीक नहीं किया। मेरे साथ रहिएगा, खुदा ने काय
कायनात को तखलीक नहीं किया बल्कि ये कायनात 3114 कबल अज मसीह में, नोट कीजिए इस बात को, ये तहजीब के लोग, ये जो लोग आज साइंटिस्ट बने हैं, इन्होंने नोबल प्राइज भी अमेरिका के अंदर हासिल किया है, ये लोग कहते हैं कि दुनिया का आगाज 3114 के अंदर हुआ है और इसका इख्तिताम 2012 में हो जाएगा। तो जो फरमाइए, इसका आगाज दुनिया का 3114 में हुआ और इसका इख्तिताम 21 दिसंबर 2012 को होगा। उसकी वजह क्या है आगे चल के मैं बताऊंगा। ये कैलेंडर के अंदर उनका मसला है, क्यों वो ये कहते हैं, क्या वजह है कि वो इस तरह का दावा करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं उस साइंसी दावे पर आऊं, मैं इनकी मसबी हालत आपको बताना चाहता हूं। इनके साइंसी दावों से पहले मैं इनकी मसबी हालत आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, ये एतकाद रखते हैं कि जो जमीन है ये गोल नहीं है। पहली बात, ये एतकाद रखते हैं कि जमीन चिपटी हुई है और इस चिपटी जमीन के ऊपर जो है चार इसके कॉर्नर हैं और चारों कोनों के ऊपर चार जो है देवी या देवता खड़े हैं। चार कोने हैं और चारों कोनों के ऊपर चार देवी देवता खड़े हैं और उन देवी देवताओं को ये सिंबल देते हैं कलर्स के साथ या रंगों के साथ, कहते हैं जी फला देवी का क्या रंग है। ये कहते हैं कि ईस्ट के अंदर लाल रंग का देवता है, ये लाल रंग है, और नॉर्थ के अंदर सफेद है, वेस्ट के अंदर काला रंग है और साउथ के अंदर जर्द रंग है। ये चार रंग है जमीन के चार कॉर्नर के। लेकिन क्या आप ईमान रखते हैं कि जमीन चिपटी है? अब ये एक और दावा करते हैं कि जो आसमान है जिसको आप देख रहे हैं, इस आसमान के भी चार कोने हैं और इन चारों कोनों को चारों देवी देवताओं ने ऊपर से पकड़ा हुआ है और जब वो चाहे से छोड़ दे ये आसमान जमीन पर गिर जाएगा और जमीन बर्बाद हो जाएगी। ये भी इनका दावा है और ये ईमान रखते हैं। ये जमीन जो है इसके इसके चार रंग है, आसमान के भी लेयर्स है और आसमान को भी चारों तरफ से चार देवी देवताओं ने पकड़ा हुआ है और ये कभी भी नीचे गिर सकती है। फिर इनका एक और इत्काद है, इनका इत्काद ये है कि जो देवी है, जो देवता है, उसके सामने नाजेबा हरकत करना इनका दावा है। और ये नाजेबा हरकत है क्या? ये समझते हैं कि हम बरहना होकर, बिल्कुल नंगे होकर ये देवी देवताओं के आगे रसूमात अदा करते हैं और एक कंवारी लड़की को ज़बह करते हैं, कंवारी लड़की को ज़बह करते हैं, बच्चों को ज़बह करते हैं। और इनके ज़बह करने का तरीका जरा फर्क है। ये करते क्या है, ये इंसान की कुर्बानी मांगते हैं और ये इंसान की कुर्बानी देते कैसे है, अपनी देवी के आगे किसी नौजवान लड़की को या किसी बच्चे को लिटा देते हैं और चार लोग उसे पकड़ते हैं, दो टांगों से, दो हाथों से, और एक शख्स उसके दिल को यहां से निकालता है। जिंदा इंसान है, इंसान जिंदा है और उसके दिल को यहां से पूरे को निकालता है। और जब इंसान चीखे लगाता है, जब वो वावेला करता है, जब वो मातम करता है, जब उसके आहो नाला की आवाज आती है, तब वो खुश होते हैं और समझते हैं कि देवी ने, देवता ने हमारी कुर्बानी कबूल कर ली और उसके दिल को लाकर देवी देवताओं के कदमों में रखते हैं। पहली बात जिस पर मैं आपकी तवज्जो वापस लाना चाहता हूं, ये लोग कहते हैं कि जमीन कैसी है, जब ये साथ रहिए, ये लोग कहते हैं जमीन कैसी है, ये कहते हैं कि जमीन चिपटी है और इसके चार कोने हैं, लेकिन मेरी बाइबल मुकद्दस इन देवी देवताओं और इन झूठे साहब की तर्दीद करती है। और यशाया की किताब के अंदर खुदा फरमाता है कि वो मुहीत जमीन पर बैठा है, जमीन चिपटी नहीं है, जमीन गोल है। और ये आज साइंस भी दावा करती है, ये साइंस भी दावा करती है कि जमीन चिपटी नहीं बल्कि जमीन गोल है। और ये आसमान जो है
ना किसी देवी ने संभाला है, ना किसी देवता ने संभाला है, ना किसी माबूद ने संभाला है, बल्कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है वो आसमान को अपने बाला खाने के शतीरों पर टकाता है। ना उसका कोई शत्रु है, ना कोई देवी पकड़ती है, ना कोई देवता पकड़ता है, ना कोई माबूद पकड़ता है। मेरे आका यीशु के मुंह के दम से आसमान भी कायम है और बगैर शत्रुओं के है, बगैर शत्रुओं के वो कायम है। अगर वो बगैर शत्रुओं के आसमान कायम है तो ये देवी देवता, ये मायान सिविलाइजेशन, मायान के लोग मांगते क्या है, इनके देवी देवता मांगते क्या है, कुर्बानी मांगते हैं। और किसकी मांगते हैं कुर्बानी? मैं साथ रही है, कुर्बानी किसकी मांगते हैं? ये इंसान की कुर्बानी मांगते हैं। और जिंदा इंसान को देवी देवताओं के आगे चला जाता था और उसके दिल को बाहर निकाला जाता था। ये देवी देवता कुर्बानी मांगते हैं, लेकिन बाइबल का खुदा तवज्जो फरमाइए, देवी देवता इंसानों की कुर्बानी मांगते हैं, मबूद बर्रों पछड़ों मेंढों की कुर्बानी मांगता है और कुर्बानी मांगने से खुश होता है। लेकिन बाइबल के खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया कुर्बान होने के लिए। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया कुर्बान करने के लिए। दुनिया के लोग दुनिया के ऐसे झूठे मजाहब इंसानों की कुर्बानी मांगते हैं। जिंदा इंसान की कुर्बानी दी जाती थी इस मजहब के अंदर, लेकिन मेरा आका कहता है मैं किसी इंसान की कुर्बानी नहीं लूंगा, ना बकरों की कुर्बानी, ना मेंढों की कुर्बानी, ना बर्रों की कुर्बानी, ना किसी और की कुर्बानी, बल्कि मैं अपनी कुर्बानी इंसानों के लिए। दुनिया के माबूद इंसानों की कुर्बानी मांगते हैं, यीशु मसीह इंसानों के लिए खुद कुर्बानी दे देता है। यह है फर्क, समझिए इस फर्क को। यीशु मसीह इंसानों के लिए खुद कुर्बान होता है, माबूद इंसानों की कुर्बानी मांगते हैं। इसका मतलब है अगर अब यह कोई मजहब बात करता है तो वह सच्ची बात होगी? और तुहाडे सिर ते कोई तलवार लैके बैठा है, ये सच्ची बात करेंगे? और नहीं की उची बोल छो, तुहाडा कलाम ना ना हां हां च होना चाहिए। कैसा कलाम? ना ना और हां हां। क्या ये सच्ची तालीम देंगे? क्या इनकी बनाई हुई चीजों पर मसीही इत्माद करेंगे? क्या इनके साइंसी फार्मूलों पर हम यकीन करेंगे? क्या अगर ये कह दे कि 2012 में दुनिया पर कयामत आ जाएगी, क्या हम मान लेंगे मसीहियों? और मान लेंगे ते हाथ खड़ा करके कहो, मान लेंगे, मान लेंगे। हम अपनी गर्दन कटवा सकते हैं लेकिन ऐसी तालीम को नहीं मान सकते जब तक मेरा आका यीशु मसीह ना कहे हम किसी झूठे की बात पर यकीन नहीं करेंगे। क्योंकि उसने कहा बतेरे झूठे आएंगे और तुम्हें गुमराह करेंगे, लेकिन गुमराह मसीहा गुमराह डरना। रात को नींद पूरी लेनी है, करारे मार मार के सोना है, इसलिए कि यीशु ने ऐसी तालीम ही नहीं हमें दी। अब ये सयारे की बात हम करते हैं कि आपको बुनियादी तौर पर पता चल गया कि ये झूठ बोहतान बोतलान है किसका है, किस शख्स ने दिया? मेक्सिको के अंदर से यह तहरीक उठी है, ब्राजील के अंदर से यह तहरीक उठी है और पूरा सेंट्रल अमेरिका इस तहरीक के अंदर है। और आप ये कहते हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी क्योंकि जमीन टकरा जाएगी बड़े सयारे से और कयामत आ जाएगी। सुनिए, कयामत मैं पहले भी बयान कर चुका हूं, अरबी सुबान का लोग है, इसका मतलब है कयाम करना, इसका मतलब है खड़े होना, इसका मतलब है मुर्दों का जिंदा होना। कयामत का मतलब तबाही नहीं है, कयामत का मतलब बर्बाद
आती नहीं है। जब हिरोशिमा के ऊपर पहला बम गिरा था तो लाखों करोड़ों की तादाद में लोग मर गए थे। लोगों ने कह दिया कि कयामत आ गई, कयामत आ गई, कयामत आ गई। लोग मसूर हो गए, किसी की आंख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पांव नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी के आधे जिस्म के अंदर अज़ा बाकी नहीं है। सांसें बड़ी मुश्किल से ले रहे हैं और मौत ही मौत नागासाकी हिरोशिमा के अंदर रक्स कर रही थी। लोगों की लाशों के टुकड़े पड़े हुए हैं, लोग जिस तरह से खड़े थे उनकी चमड़ियां उतर गई, वो जमीन पर खाद बन गए। ना उन्हें दफनाया गया, ना उन्हें कफनाया गया, ना उन्हें नहलाया गया। लाखों करोड़ों की तादाद में जब अमवात हुई तो चारों इतराफ शोर बरपा हो गया, कयामत आ गई। अभी नागासाकी का पहला बम भूला नहीं था कि चंद महीनों के बाद एक और बम वहां पर गिरा दिया गया और अब पहले से ज्यादा अमवात हुई। बम के बाद फिर बम, पहली जंग अजीम जब हुई, पहली जंग अजीम के अंदर लाखों करोड़ों की तादाद में गालिबन एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 करोड़ लोग पहली जंग अजीम के अंदर मर गए। जिस जानिब आप नजर कर रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लगी है, पूरी दुनिया के अंदर जंग लगी है, जहां पर लोगों को देखा जा रहा है, अफवाज कत्ल कर रही है, कत्लो गारत का बाजार गर्म है। तकरीबन 3 करोड़ लोग जो है वो लुकमाए अजल हो चुके हैं, मर गए हैं, और जिनके घरों के अंदर से औरतें बेवा हुई, बच्चे यतीम हुए, शोहरों का साया सर के ऊपर से उठ गया, बाप का साया, माँ का साया, भाइयों का साया, बहनों की मोहब्बत, माँ की ममता जब जिंदगियों के अंदर से गई तो लोग जो यतीम हो गए थे, जो बेवा हो गए थे, जिनके भाई मर गए, जिनकी बहनें मर गई, जिनके बच्चे मर गए, जिनके घर के चिराग गुल हो गए, वो पीट पीट कर मातम करते हैं और कहते हाय कयामत आ गई, हाय कयामत आ गई। अमवात अमवात अमवात, ऐसा था। जिस जानिब नजर उठाओ इंसानों की लाशें, जिस जानिब नजर उठाओ खून 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 था, लेकिन उस वक्त भी कयामत नहीं आए। जब पहली जंग अजीम खत्म हुई तो गालिबन तारीख के औराक उठाइए, 3 करोड़ के लगभग लोग जो थे लुकमा अजल हो गए। अभी ये चहमा गोलियां जारी थी, अभी लोगों को सदमे भूले नहीं थे कि दूसरी जंग अजीम लग गई। जैसे दूसरे जंग अजीम लग गए तो उससे डबल से भी ज्यादा अमवात हुई। जब डबल से ज्यादा अमवात हुई, क्या फिर कयामत आ गई? आज चंद लाशें घर से उठ जाए किसी से तो लोग कहते हैं कयामत आ गई। जब पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड किया जा रहा था तो आप जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर लाशों का ढेर लगा हुआ था, हमारी नहरें खून से रंगी हुई थी, हमारे गलियां बाजार खून से रंगे हुए थे। तो क्या उस वक्त कयामत आ गई? कयामत नहीं आई। क्या जब अमेरिका के ऊपर हमला हुआ और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तबाह कर दिया गया, क्या कयामत आ गई? नहीं आई कयामत। अफगानिस्तान पर हमला हुआ, इराक पर, ईरान पर, बहुत से एक दूसरे ममालिक पर हमले हुए, उन हमलों की वजह यह है, वो कयामत नहीं है, बल्कि मेरा आका यस्सू कहता है कयामत की निशानियां है। ये कयामत नहीं है, बल्कि मेरे आका यस्सू मसीह ने कहा मेरे आने से पहले लड़ाइयां और लड़ाइयों की, और मसीहिया बोलो लड़ाइयां और लड़ाइयों की, लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे, कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत, कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे। ये सब बातें मुसीबतों का, आप माजी में चले जाए, अमेरिका के अंदर सन 1834-35 के अंदर आसमान से सितारे गिराए गए
और जब सितारे आसमान से शहाबे साकिब जो है उनकी बारिश हो रही थी, जब वो आसमान से जमीन की जानिब टूट टूट कर आ रहे थे, तो लोग एक दूसरे को कहते हैं जनाब कयामत आ गई है, देखो सितारे टूटना शुरू हो गए, देखो सितारे टूट गए। तो उस वक्त भी कयामत नहीं आए। फिर थोड़े सालों के बाद जो सूरज है, जो चांद है, ये चांद खून जैसा हो गया, ऐसा चांद ग्रहण लगा कि चांद खून जैसा हो गया और सूरज कंबल की तरह काला हो गया। सूरज जो है वो कंबल की तरह काला हो गया, चांद जो है वो बिल्कुल सुर्ख हो गया। तो लोगों ने जब काला सूरज काला हुआ दिन को, तो लोगों ने कहा जनाब कयामत आ गई है, कयामत आ गई। हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण लगा था, और उसके बाद जब रात हुई तो चांद जो है वो सुर्ख हो गया, तो लोगों ने कहा कयामत आ गई। लेकिन क्या कयामत आ गई? लिखा है आसमान पर निशान दिखाई देंगे। यीशु मसीह ने कहा मेरे आने से पहले क्या दिखाई देंगे? आसमान की कुवतें हिलाई जाएंगी। यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज है, आसमान की कुवतें हिलाई जाएगी। और यूनानी जुबान के अंदर जहां लफ्ज आसमान इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब है यूरेनियम। और यूरेनियम एटम का एक हिस्सा है, और इसका मतलब यह है यीशु मसीह यह कह रहा है कि एटम की ताकतें हलाई जाएंगी, एटॉमिक पावर उनके पास आ जाएगी, लोगों के पास एटमी कुव्वत आ जाएगी। और जब एटमी कुव्वत मुमालिक के पास आ जाएगी, तो बाइबल में लिखा है जब आसमान की कुव्वतें हलाई जाएगी तो लोगों की जान में जान, लोगों की जान में जान बाकी ना रहेगी, क्योंकि हलाई क्या जाएगी? आसमान की कुव्वत यूरेनियम हिलाया जाएगा, बम्ब ब्लास्ट किए जाएंगे, एटॉमिक पावर मुमालिक के अंदर आ जाएगी, और हर मुल्क दूसरे मुल्क से डरना शुरू कर देगा, और खौफ की वजह से लोगों की जान में जान बाकी। बम्ब चले मुसीबतों का शुरू, एटॉमिक पावर्स हलाई जाए, धमाके किए जाए, शुरू है ये मुसीबतों का, जंग हो जाए, मुसीबत है ये शुरू है। आसमान से सितारे गिरे, फिर भी मसीह नहीं आएगा, फिर भी कयामत नहीं आएगी। चांद अगे काला हो जाए या लाल हो जाए, फिर भी कयामत नहीं आएगी। जब आसमान पर से कुव्वतें हिलाई जाएगी, फिर भी कयामत नहीं आएगी। और मैं इन साइंसदानों को चैलेंज करता हूं इस बात का, मसीह खादम दीन होता हुआ और इंजील का अदना सा खादिम होता हुआ, मैं इस बात का वालेहाना उन लोगों को चैलेंज देता हूं जो ऐसी तालीमात पर अमल करते हैं, सोचते हैं, घबराते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके लिए लम्हा फिक्रिया और चैलेंज है। और चैलेंज सुन लीजिए, लोग ये कहते हैं कि कयामत आएगी 21 दिसंबर 2012 को, तो जो फरमाइए, नोट फरमाइए, कयामत का मतलब है कयाम करना, कयामत का मतलब है मुर्दों का जिंदा होना, और कयामत का मतलब है मुर्दे का जिंदा होना। और मैं आज आपको अल एलानिया कहता हूं, सारी दुनिया इस बात पर ईमान रखती है, मजहब कोई भी क्यों ना हो, इस बात पर ईमान रखता है कि मेरा आका रब्बाना यीशु अल मसीह इलाहे सजूद वजीहन फी दुनिया वल आखिरत आका नामदार फखरे मौजूदात बाईसे तखलीके कायनात रब्बाना यीशु अल मसीह वाहिद 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 शख्सियत है जो कयामत की निशानी है, जो कयामत की, तालियां तो ऊंची आवाज कर रही है, जो कयामत की निशानी है। यीशु क्या है? जब बुलंद आवाज से यीशु क्या है? यीशु क्या है? यीशु मसीह कयामत की निशानी है। और बगैर मेरे आका, बगैर मेरे मालिक, बगैर मेरे खुदावे, बगैर मेरे यीशु, बगैर मेरे रबी, बगैर मेरे उस्ताद के आने के कयामत हो ही नहीं सकती।
مجبور ہے میرے آقا کے منتظر ہے قیامت منتظر ہے میرے آقا کی قیامت انتظار کرتی ہے میرے آقا کا تابعہ ہے میرے آقا کی اور وہ تابعہ داری کرتی ہے قیامت میرے ربی میرے آقا میرے خداوند کی اور بغیر میرے خداوند کے قیامت نہیں ہو سکتی وہ قبر کے اندر سے جب زندہ ہوا موت قبر پتھر پہرے سیل اور رومی حاکموں کے اندر قدرت اور اختیار سے جب وہ زندہ ہوا تو اس نے کہا میں مر گیا تھا میں مر گیا تھا پر اب زندہ ہو اور عبد العباد تک زندہ مسیح اور ایمان کا اظہار کر رہا ہے عبد العباد تک زندہ اور موت اور آل میروا کی کنجی موت اور آل میروا کی کنجی میرے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی میرے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اس منجی عالمین کی سنیے بات اس نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے تمہارا دل نہ گھبرائے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کرو اور جب جگہ تیار کر لوں گا تو تمہیں آ کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو جب مریم قبر پر گئی چند عورتیں تو قبر کے اوپر سے آواز کیا آئی وہ یہاں نہیں وہ یہاں نہیں وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے وعدے کے مطابق اور مردہ یسوع نو مندے ہو تے تو ہی مردہ ہی بیٹھے ہو جڑا زندہ یسوع نو مندا ہے زندہ طریقے نال اودا اظہار کرے گا تالیوں سے خوشی آپ کی ہوتی ہے زبان سے ایمان کا اظہار ہوتا ہے اور اس یسوع کی بابت فرشتے نے کہا وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے وعدے کے مطابق ہاتھ جدا سلامت کھڑا کر کے اپنے وعدے کے مطابق دیکھو اس کی قبر اونچی بولیا کرو میرے سینے ٹھنڈ پہنی تھی بھی پہے گی دیکھو اس کی قبر دیکھو اس کی قبر دیکھو اس کی قبر دیکھو اس کی قبر خالی ہے اور خالی قبر کے بادشاہ یسوع پر جو ایمان رکھتا ہے اس کی قبر بھی خالی کر دی جائے گی وہ بھی قبروں کے اندر نہیں رہے گا جو زندہ یسوع پر ایمان رکھتا ہے وہ قبر کے اندر نہیں رہے گا قبر سے باہر آ جائے گا کیونکہ اس کا مالک آپ للکار مقرر فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے ہیں وہ اور یہ جی اٹھنا قیامت ہے یہ جی اٹھنا قیامت ہے قبر سے باہر آنا قیامت ہے قبر کے اندر سے نکل کر سامنے کھڑے ہونا کا نام قیامت ہے اور یسوع مسیح نے ثابت کر دیا میں قیامت کی نشانی ہوں جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ بھی قبر سے باہر آ کر میرے ساتھ کھڑا ہوگا وہ بھی قیامت کی نشانی بن جائے گا اگر میرا یسوع قیامت کی نشانی ہے تو اس پر ایمان رکھنے والے بھی نشانی ہیں آگے بڑھوں گا میرا اور آپ کا یسوع کا تعلق کیا آپ کا ہمارا یسوع کے ساتھ تعلق کیا ہے کتنے ہیں جو یسوع کی دلہن بیٹھی ہیں یہاں سارے نہیں ہے میری بہن سارے ہو رہے ہیں تو پھر سواد ہی نہ آ جائے کتنے ہیں جو مسیح کے دلہن ہیں
मैंने कहा इकरार करना बड़ी बात है, जरा दो भी हाथ खड़े करन दुल्हन, ए शर्माने वाली दुल्हन ना बनो, सही दुल्हन बनो। जरा दोनों हाथ ले लाए जो यस्सू की दुल्हन है। अगर आप यस्सू की दुल्हन है तो जरा सुनिए बात, जरा सुनिए बात। दुल्हा और दुल्हन की एक मोहब्बत है, दुल्हा अपनी दुल्हन पर जान देता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है ऐ बीवियों अपने शोहरों के ताबे रहो, और आगे लिखा है ऐ शोहरों अपनी बीवियों से। चलो ऐ डिपार्टमेंट तुसी दस दो इन्हों याद कराने लई, चल ठीक है थैंक यू, बिल्कुल ठीक कहा, इन्होंने याद कराओ। शोहरों अपनी बीवियों से कैसी मोहब्बत रखो, हाँ बुलंद आवाज से, ऐ शोहरों अपनी बीवियों से, चले शोहर दास, ऐ शोहरों अपनी बीवियों से। देखो जिन्हें करते ने मोहब्बत और बोलेंगे, जिन्हें नहीं करते नहीं बोलेंगे। ऐ शोहरों अपनी बीवियों से केंद्र जड़ी आयत लिखी हो, जिसम के मुताबिक मोटा जिसम हो मोटा, पतला जिसम हो पतला, जिसम के मुताबिक। क्यों जी खात्मुद्दीन यहां बैठे हैं, किस तरह जी, शाबाश। और कोई खादम कोई और कलीसिया में से, आए शोहरों अपनी बीवियों से अपनी मानत, जिस्म की मानत, अपनी तरह जिस तरह अपने आप से मोहब्बत रखते हो इनसे भी मोहब्बत रखो। ऐ शोहरों अपनी बीवियों से अपनी मानत मोहब्बत रखो जिस तरह मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत रखी और अपनी क्या दे दी, क्या दे दी, किसके लिए, किसके लिए। किन्ने शोहर ने अपनी बीवी ली जान देना चाहते हैं, तवज्जो के साथ, तवज्जो के साथ लगाव से बात सुनिएगा। होता यह है कि बीवी नु मरिया चंद दिन ही होंगे ने तो नवी प्लानिंगा शुरू, इन्हें मरना की है, ये आंदे ने जल्दी मरे तो तेन दूजी आई। मैं माफी के साथ कह रहा हूं, वैसे कह रहा हूं ये होता है अक्सर, लेकिन मसीह क्या कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसी मोहब्बत रखी कि मैंने अपनी जान किसके लिए दी, कलीसिया के लिए। और कलीसिया क्या है, मसीह की, मसीह की, मसीह ने जान किसके लिए दी, दुल्हन के लिए। और अब दुनियावी तौर पर, दुनियावी तौर पर दुल्हन चल रही है, दुल्हा आगे चल रहा है, चलते चलते किसी ने दुल्हन को छेड़ा है और दूल्हे ने देख लिया है, होएगा कि क्या होगा, हाँ झगड़ा ही सिर्फ होएगा, देखो दंद दुद भी तोड़ेगा, तो जो नहीं तोड़ेगा उन्होंने जो तुम आखोगे बेहतर ही आखोगे। इसका मतलब है अगर एक दुल्हन चल रही है साथ, आपकी बीवी आपके साथ चल रही है, दुल्हन चल रही है, दुल्हन चलती चलती रास्ते में उसे तंग कर रहा है, उसे छेड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये आप बेहतर समझते हैं। तो मैं ये पंजाबी चाहना हमेशा यह आना वा जिदी दुल्हन उदे नाल चल रही हो उदे च होर ज्यादा ताकत आ जाती है, और जो उन्हों को छेड़ेगा तो दंद अगला ही कटाएगा। इसका मतलब है कोई अपनी बीवी को छेड़ने देता है किसी को, कोई तंग करने देता है। तो जब आप अपनी बीवियों को बुरी नजर से किसी को नहीं देखने देते, तंग नहीं करने देते, तो मेरे आका की दुल्हन की तरफ तो कोई आंख मैली करे, करे तो सही, आपकी तरफ कोई आंख मैली, क्योंकि आपका दुल्हा बादशाहों का, आपका दुल्हा जिसकी आप दुल्हन है वह बादशाहों का, बादशाहों का बादशाह है और आप उसकी दुल्हन है। ये जमीन उसने आपको आरजी तौर पर रहने के लिए दी है ताकि दुल्हन यहां बनाओ सिंगार करे, ताकि दुल्हन यहां अपने अंदर से दाग धब्बे छुरी को निकाले, ताकि वो अपनी दुल्हन को लेने आए। क्या कभी आपने सुना कि जिस कमरे में, जिस ब्यूटी पार्लर में दुल्हन तैयार हो रही है, दूल्हे ने उसे बम फोड़ देता है,
ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਪਰ ਮਰਦੀ ਫਿਰੇ ਸੀ, ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਭੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਰਦੇ, अगर दुल्हन जमीन के ऊपर है, तवज्जो के साथ, तवज्जो के साथ, अगर दुल्हन जमीन के ऊपर है, मेरी बात पर तवज्जो कीजिएगा, अगर दुल्हन जमीन के ऊपर है तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, दिने सूरज ना तेनू सतावे, राती चन भी ना कुछ दुख पहुंचावे, जिसके आप दुल्हन है, जिसका आपके साथ ताल्लुक है, उसके हाथ में सूरज है, उसके हाथ में चांद है, उसके हाथ में सैयारे है, और वो अपनी दुल्हन को बियाबान के अंदर जब वो चलती थी तो रात को खुद आग में आ जाता था, ताकि दुल्हन को कोई नुकसान ना हो। जब वो दिन को चलती थी, धूप लगती थी तो खुद बादल बन जाता था, ताकि दुल्हन को कोई नुकसान ना हो। जब दुल्हन को प्यास लगती थी तो खुद चट्टान बन जाता था, ताकि उस चट्टान से पानी पियो। जब दुल्हन पर कुछ होता था दुल्हा खुद आ जाता था। और अगर आज किस चांद की जरूरत है कि आपको सताए, किसी सैयारे की जरूरत है कि सताए मसीहियों को, तो फिर आप बुलंद आवाज से कहे, दिने सूरज ना मैनू सताए, बुलंद आवाज से जिन्नी आवाज है जो ऊंची करो। अब बहनों ने सिर्फ कहना है और भाइयों ने कहना है, राती चल भी ना कुछ दुख पहुंचाए, कहिए। मैं तीन गिनूंगा, पहले बहनों की आवाज मुकम्मल बुलंद हो, ये आपका ईमान है। एक दो तीन, ऊंची और ऊंची आपने कहना है, ईमान का इजहार करना है। सब कहिए, दिने सूरज ना मैनू सताए, राती चंद भी ना कुछ दुख पहुंचाए। हालेलुया, ना सूरज सताए, ना चांद सताए, ना सैयारे सताए, ना सितारे, कोई चीज हमें नहीं सता सकते, इसलिए कि हमारा सूरज हमारा यीशु आफताबे सदाकत, हमारा चांद हमारा यीशु है। सूरज भी वो है, चांद भी वो है, और जब तक सूरज मेरे आका का चेहरा ना देख ले, रोशन ही नहीं होता। और जो मेरे आका के चेहरे की रोशनी का मोहताज है, वो उसकी दुल्हन को सताएगा? क्यों? सूरज की जरूरत नहीं और किसी सयारे की जरूरत नहीं, जब तक कलीसिया जमीन पर है, जमीन से टकराए, किसी सयारे की जरूरत नहीं। मैं आपको बताऊं, ये चैलेंज है मसीहियों, मेरा चैलेंज है, मेरी बाइबल का चैलेंज है, कलीसिया का चैलेंज है, शेहूपुरे की कलीसिया का चैलेंज है। और चैलेंज क्या है कि जब तक कलीसिया जमीन पर है, किसी सयारे की, किसी सितारे की, किसी मरीख की, किसी जुपिटर की, किसी बड़े से बड़े सयारे की जरूरत नहीं है कि जमीन को टकरा जाए, क्योंकि मेरा आका तो चार पांच रास्तबाजों के लिए शहर छोड़ देता है। एक ईमानदार के सर पे तो शहर शहर बचा लिया जाता है, और अगर इतने ईमानदार हो तो जमीन बचेगी या नहीं बचेगी? तो कोई सयारा मसीहियों, जब तक आप जमीन पर हैं, जब तक कलीसिया जमीन पर है, जब तक दुल्हन जमीन पर है, कोई सयारा जमीन से नहीं टकराएगा और जमीन तबाह नहीं होगी। होगा क्या? अगला रुख देखिए। होगा ये कि जब आप आसमान पर उठा लिए जाएंगे, जब दुल्हा आएगा और अपनी दुल्हन को अपने साथ, ताकि जहां मैं हूं वहां, जब वो आएगा तो आकर आपको कहां ले जाएगा? कहां? और मसीह गल आखिरी ने, पक्कियां गल्ला ने, सुन लवो तो मेरे नाल रहो, कहां लेकर जाएगा?
कहां लेकर जाएगा? कितने हैं जो ईमान रखते हैं हम आसमान पर जाएंगे? दोनों हाथ बुलंद करें, क्या आप आसमान पर जाएंगे? तैयार है आसमान पर जाने के लिए यीशु के साथ? और जब वो आएगा ललकार के साथ, मुकर्रर फरिश्ते की आवाज के साथ, खुदा के नरसिंगे के साथ, पहले तो वो जो मसीह में मुए हैं वो जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी हैं वो बदल जाएंगे और हवा में उड़कर उसके। हालेलुया, और स्वाद आया रे, हवा में उड़कर उसका क्या करेंगे? हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। सारी कलीसिया आका नामदार यीशु मसीह के साथ जमीन से आसमान की जानिब जाएगी, जमीन से उठा ली जाएगी, और जब जमीन से ऊपर जाएंगे तो बर्रा और मूसा का गीत गाएंगे, रब खुदावन बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। ऊंचे करो सब दरवाजे, ऊंचे हो सब दरे, जान जलालदा बादशाह वे सब तत ऊंचे करो, आसमानों दरवाजे खोल दो, बर्रा अपनी दुल्हन के साथ खुदा बाप के पास आ रहा है, और हम सारे इस जमीन को छोड़ देंगे, जमीन को जैसे हम छोड़ेंगे आसमान की तरफ जाएंगे। तो जिनकी तमन्ना है कि हम चांद पर जाएं, वो मेरे आका के साथ चांद को अपने कदमों के नीचे कर दे। ये जो सूरज आज आपको बड़ी गर्मी पहुंचाता है, और लोग कहते हैं कि साइंसदान ये कहते हैं कि सूरज में कोई नहीं जा सकता, तो मैं अर्ज कर चुका हूं अगर सूरज में कोई नहीं जा सकता तो जिस सूरज से आपको लोग डराते हैं कलीसिया उसी सूरज में से गुजरेगी। अगर वो भट्टियों के अंदर खुद आ जाता है तो वो कलीसिया का हाथ पकड़कर सूरज में से गुजरेगा, वो सूरज में से हमें गुजारेगा। और जिस जमीन जिस सहारे की बाबत आप कहते हैं ना कि ये सहारा टकराएगा, नासा की रिपोर्ट है, वेब हार्ट की रिपोर्ट है, फलां की रिपोर्ट है, वो सहारा आप दूर से देखेंगे, मैं क्या करूं, ठूंठे भी मार सकने जाते, चलो निकले थो, क्योंकि हमारे साथ उस सहारे को बनाने वाला यीशु मसीह है। उसके मुंह के दम से वो सयारा, उसके मुंह से दम से वो कायम है। हम उस सयारे में से, अगर आपको शौक है मुरीह को देखने का, साइंसदार आज चीजें भेज रहे हैं, मसीही ईमानदारों जब हम आसमान की जानिब जाएंगे मुरीह को भी देख सकेंगे, अधारत को देख सकेंगे। जितने सयारे अभी आजाद भी नहीं हुए, ये मसीहियों को फख्र है कि उन सयारों में से गुजरना चाहिए। बड़े साइंसदार कौन हो, बोलो बड़े साइंसदान कौन हो? वो साइंसदान दूरबीना ना वेंदे ने, तुसी अखा ना वेखोगे जा, यकीन जानगे साइंसदान है भी तुके लानगे दूरबीना ना वेखणगे, यीशु मसीह आखे गए तेरा मैं तुहानू वखांदा इहदे च आ। तो बड़े कौन हो फिर, वो बोलो बड़े कौन हो, साइंसदान या हम? ना हम ना साइंसदान, हमारी बाइबल सबसे बड़ी है जो हमें तालीम देती है। हमारा आका सबसे बड़ा है, हमारा यीशु सबसे बड़ा है, हमारा खुदा सबसे बड़ा है, जिसने हमें यह तालीम दी है, जहां मैं हूं वहां, और लेकर जाएगा इन सयारों में से। उसके बाद जमीन तबाह हो सकती है, होगी, जमीन बर्बाद होगी, चांद बर्बाद हो जाएगा, सूरज खत्म हो जाएगा, सयारे खत्म हो जाएंगे, सितारे खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर यूहन्ना कहता है, फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, मैंने नया आसमान और नई जमीन को देखा, उस आसमान और उस जमीन में ना चांद होगा, ना सयारे होंगे, ना सितारे होंगे, ना सूरज होगा, और अंधेरा भी नहीं होगा। हम ये समझते हैं कि सूरज हो तो रोशनी होती है, चांद हो तो रोशनी होती है, लेकिन जिस जमीन की मैं बात कर रहा हूं, जिस जमीन की मेरा यीशु बात कर रहा है, उस जमीन में ना सूरज होगा, ना चांद होगा, ना सितारे होंगे, ना सयारे होंगे, लेकिन ना रात होगी, ना अंधेरा होगा, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह आफताबे सदाकत, उनका सूरज, उनका चांद, उनका सितारा होगा, और उसके चेहरे के नूर से
उसके चेहरे के नूर से मुनव्वर मुनव्वर और मुनव्वर होगा, फिर कभी रात नहीं होगी। इसलिए मसीहियों घबराओ ना, इन देवी देवताओं की तालीमात पर से कान उठा दो, इन गैर झूठे लादीन लोगों की तालीम पर से कान उठा दो और सच्चे जिंदा यीशु की तालीम पर ईमान रखो, क्योंकि वो ये फरमाता है कि बादशाही की खुशखबरी की मुनादी कब खात्मा होगा? बादशाही की खुशखबरी की मुनादी दुनिया के कोने कोने में होगी, तब खात्मा होगा। दुनिया में इस वक्त मसीहत जो है वो 33% जो है क्रिश्चियनिटी है, और 67% जो है वो बाकी मजाहब है। तो क्या खात्मा हो गया? कितने फीसद बाकी रह गए हैं दुनिया जिन्हें मसीह तक लाना है? 67%। कितने? और बाइबल में लिखा है हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। तो अभी कितने घुटने झुकते हैं? कितने फीसद? 33% घुटने उसके आगे झुकते हैं, 67% घुटने उसके आगे नहीं झुकते। और जब तक ये 67% घुटने उसके आगे ना झुके, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बताती है खुदा ने उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का हो, खा जमीन के नीचे रहने वाली मखलूकात का हो, और हर जुबान ये इकरार करे कि यीशु ही मसीह बुलंद आवाज से यीशु ही। और अगर ये 67% लोग बाकी हैं तो ये आपकी वजह से, ये सिर्फ पास्टर साहबान ने ठेका नहीं लिया कि यही इंजील सुनाए, आपको भी उतना ही हक है इंजील सुनाने का। सवेरे जाके कोई नवी मिनिस्ट्री ना बना लिया जे, मेरा मतलब ये नहीं, मैं इंजील सुनाने की बात कर रहा हूं, आपको वही हक है इंजील सुनाने का, ताकि 67% दुनिया जो बाकी रह गई है ये यीशु मसीह पर ईमान लाए। और जब बादशाही की खुशखबरी की मुरादी दुनिया के कोने कोने तक होगी, तब क्या होगा? तब मेरा मसीह आएगा, और जब मेरा मसीह आएगा खात्मा उस वक्त होगा, ना सूरज तेनू सतावे ना चन्न भी कुछ।